और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आ रही जहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए एमपी सरकार का बड़ा फैसला। एमपी सरकार ने निजी यूनिवर्सिटी अधिनियम में किया है संशोधन। यूनिवर्सिटी में कुलपति के लिए कुलगुरु शब्द का होगा इस्तेमाल और गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से इस संशोधन को लागू किया गया। बदलाव के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने पहले ही हालांकि मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के सभी निजी यूनिवर्सिटी में नियम अब लागू होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए ये बड़ा फैसला। एमपी सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी में कुलपति की जगह अब कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल होगा। गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से ये नोटिफिकेशन लागू किया गया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए एमपी सरकार का बड़ा फैसला। अब देखिए एमपी सरकार ने निजी यूनिवर्सिटी अधिनियम में ये संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद अब कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। बदलाव के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दी है। अब ये नोटिफिकेशन सामने आया है। अब देखिए तत्काल प्रभाव से इसे लागू किया जाएगा। यूनिवर्सिटी संशोधन में अधिनियम में ये बदलाव किया गया है, ये संशोधित किया गया है, संशोधन को लागू किया गया है। बदलाव के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के सभी निजी यूनिवर्सिटी में ये नियम लागू होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए एमपी सरकार का ये बड़ा फैसला। अब देखिए यूनिवर्सिटी में कुलपति के लिए कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। कुलपति की जगह जो चांसलर इंग्लिश में कहते हैं उसे अब कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी निजी यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। अमृतांशी, जो ये फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, हालांकि कैबिनेट ने पहले ही प्रस्ताव पारित किया गया था, अब निजी यूनिवर्सिटी में कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द क्या तत्काल प्रभाव से लागू होंगे? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत अब एक बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। इस अधिनियम में अब ये बात लिख दी गई है कि जो निजी विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर्स होंगे, अंग्रेजी में अगर सोचें तो वाइस चांसलर ही इसको कहा जाएगा, अब ये कुलपति की जगह कुलगुरु कहलाएंगे। पहले ये फैसला सिर्फ सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए किया गया था। मानसून सत्र में इसको लेकर एक विधेयक लाया गया था और ये विधेयक को पारित किया गया था और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि सरकारी विश्वविद्यालय के तमाम जो कुलपति रहेंगे अब वो कुलगुरु कहलाएंगे और एक नई परंपरा की शुरुआत की बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही थी कि जो कुलपति शब्द है वो काफी जो है एक तरीके से एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कुलगुरु, क्योंकि गुरु जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा होते हैं, इसी कारण ये फैसला लिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो यहां पर, क्योंकि जब मुख्यमंत्री मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने ये प्रस्ताव जो है तब भी रखा था कि जो निजी विश्वविद्यालय है और सरकारी विश्वविद्यालय है दोनों को ही कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाएगा और इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया। कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ और उसके बाद इसको जो है वो गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित कर जारी कर दिया गया है। यानी कि प्रदेश के जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय हैं, तो अब सभी के कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। और खासतौर से ये फैसला जो है, एक बार हम कह सकते हैं कि शिक्षक दिवस के मौके पर भी मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी और इसी को लेकर अब सरकार का ये बड़ा फैसला है। अब मध्य प्रदेश में सरकारी और दोनों ही निजी विश्वविद्यालय में कुलपति शब्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ये परंपरा जारी रहेगी कि वो सभी जो वाइस चांसलर्स हैं वो कुलगुरु कहलाएंगे। अंग्रेजी में इसको वाइस चांसलर का ही नाम दिया रहेगा। जी अमृताजी, इस फैसले को कैसे देख रही है तमाम संस्थाएं, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे देख रही है, स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है, टीचर्स का क्या कहना है, प्रोफेसर का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए ये जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री का कहना है कि एक परंपरा को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि अक्सर हमारी संस्कृति में ऐसा सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री का मानना है कि जो शिक्षक होते हैं उनको गुरु के रूप में देखा जाता है और काफ़ी लंबे समय से ये परंपरा आ रही है। कई बार ये भी देखा जाता है कि कई विश्वविद्यालयों के जो कुलगुरु रही हैं वो महिलाएँ रही हैं, लेकिन कुलपति शब्द कहीं ना कहीं उस पर भी सूट नहीं कर पाता है। कई बार इसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे, इसी कारण जो है हमें कह सकते हैं कि बहुत ही जेंडर न्यूट्रल भी ये शब्द है और इसी कारण
पेरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स ने भी जो है वो हंसी खुशी एक्सेप्ट किया है। और हमने देखा भी कि सरकारी विश्वविद्यालयों में अब कुलगुरु का चलन शुरू हो गया है और अब निजी विश्वविद्यालय में भी जब भी जो है इस तरह के कोई भी समारोह होंगे तो अब सभी जो टीचर्स रहेंगे, जो छात्र रहेंगे और खासतौर से जो भी कुलगुरु रहेंगे वो हमेशा जो है इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। जी चलिए, बहुत